दो साल बाद विजयादशमी का त्यौहार पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। रावण फूंक रहा है और असत्य पर सत्य की विजय का एक और परचम लहरा रहा है, यानी दो साल बाद एक बार फिर। लेकिन जहां हम खड़े हैं वहां रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण ही नहीं बल्कि उनके नौ पुतले फूंके जा रहे हैं। नौ पुतलों का क्या है गणित और क्या है इसके पीछे का तर्क, हम बात कर रहे हैं। लवकुश रामलीला कमेटी के प्रधान हमारे साथ हैं, अर्जुन कुमार जी। अर्जुन जी, ये नौ पुतले का क्या गणित है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जीएनटी के समस्त देशवासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर, हमारे बीच के अंदर, प्रभु राम जब रावण का वध करते हैं तो एक तीर वो चलाएंगे, उसके अंदर एक सेट पूरा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पूरा जलाया जाएगा। दूसरे हमारे मुख्य अतिथि हैं सीएम अरविंद केजरीवाल जी, जिस वक्त दूसरा तीर चलाएंगे तो उस वक्त तीन पुतलों का सेट रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का, उसका दहन किया जाएगा। और तीसरे हमारे बीच में हमारे अतिथि हैं अमरेंद्र बाहुबली जो प्रभास हैं, वो जब यहाँ पर आएंगे तो एक तीर वो चलाएंगे, उसके अंदर भी एक सेट रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा। यही नौ पुतले जो है इस बार लवकुश रामलीला कमेटी ने बनाए हैं। ये कभी संभव नहीं है कि एक अतिथि या एक राम एक तीर चलाए और केवल एक ही उसके अंदर से रावण, कुंभकर्ण या मेघनाथ का वध हो। तो इसलिए तीन सेट बनाए गए हैं, तीन ही हमारे बीच में है, एक प्रभु राम है और दो हमारे अतिथि। लवकुश रामलीला कमेटी ने बहुत सारी परंपराएं शुरू की हैं, तो ये पहल भी इससे बहुत सारे बाकी और रामलीला कमेटियां शायद प्रेरणा लें। देखिए, निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर लगभग 20,000 से 25,000 रावण जलाए जाते हैं, एक जगह तो 50 रावण इकट्ठे जलाए जाते हैं। तो राम, ऐसा नहीं कि रामलीला इसको कोई बढ़ा दें, बढ़ा चढ़ा कर इसको बुराई का अंत करना है। बुराई तो बहुत छोटे सूक्ष्म रूप में भी हो तब भी समाप्त की जा सकती है, हमें अपने अंदर की बुराई को समाप्त करना है, अच्छाई तभी आएगी। और रामायण के अंदर भी दर्शन यही है कि हम अपने करेक्टर को बनाएं, अपने बच्चों को संस्कार दें, यही रामायण दर्शन है। तो लवकुश रामलीला कमेटी का यही प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को संस्कार दें, जिससे कि उनका चरित्र निर्माण हो, परिवार जुड़े, समाज जुड़े, देश जुड़े, भाईचारा हो, प्रेम हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, यही हमारा मकसद है। बुजुर्गों ने यही कहा है कि जब तक बुराई समाज में ना हो तो अच्छाई का मतलब समझ में नहीं आता, दुख ना आए तो सुख का एहसास नहीं होता। तो इसलिए यह है कि रावण कहीं भी हो, मन के अंदर भी एक अयोध्या है, एक राम है, एक रावण है, उसमें आपको वध करना है और ये युद्ध लगातार जारी रहे। निश्चित रूप से हमारे मन के अंदर राम भी है और रावण भी है, वध तो हमें रावण का ही करना है। और जब हम बुराई को समाप्त करेंगे, और आज दशहरा पर्व उसी का प्रतीक है कि आज बुराई समाप्त हो रही है और अच्छाई का प्रतीक है, ये बार बार हर साल हम लोगों को याद दिलाते हैं। और इस याद दिलाने का मकसद भी यही है इस त्यौहार का कि लोग खुशियों के साथ आगे बढ़े और इस बुराई को समाप्त करें और अच्छाई की ओर बढ़े। मेरा आखिरी सवाल ये है कि लवकुश रामलीला कमेटी ने बताया कि दुनिया की सबसे पुरानी कथा सबसे आधुनिकतम रूप के साथ चलती है, क्रेन पर रावण और राम का युद्ध होता है क्रेन के जरिए, और एक विशेष तरीके से हनुमान जी बूटी लेकर आते हैं, पर्वत लेकर आते हैं। तो इस बार का क्या करते हैं? देखिए, रामायण के अंदर सबको मालूम है कि अगले दिन का एपिसोड क्या होगा। जब सब कुछ मालूम है तो फिर भी नयापन है रामायण के अंदर कि बार बार देखने का मन करता है। और यही कारण है कि हम रामलीला के माध्यम से नई नई चीजें लाते हैं, चाहे वो क्रेन से ऊपर राम रावण का युद्ध हो, तलवारें टकराती हो, उनसे चिंगारी निकल रही हो, माँ सीता अशोक वाटिका के अंदर बैठी हो, नौ राक्षसी 200 फुट ऊपर हवा के अंदर उनको डरा रही हो, और जैसी हनुमान जी की नज़र घूमती है तो नौ हवा में से अदृश्य हो। तो ये सब चीज़ें लाने का मकसद ये है कि आज हाईटेक का ज़माना है, हर बच्चा आज मोबाइल से जुड़ा है, लैपटॉप से जुड़ा है, इंटरनेट से जुड़ा है, और जब वो इन चीज़ों को देखेगा तो उसके अंदर एक आकर्षण पैदा होगा और इसी आकर्षण से हम उसको संस्कार देना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी आकर्षण इसलिए कि नई पीढ़ी को रामलीला के साथ कैसे जोड़ा जाए, राम के साथ कैसे जोड़ा जाए, जुड़िए अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से जुड़िए। जड़ों से जोड़ने के लिए जरूरी है कि आधुनिक तकनीक के साथ उसका इस्तेमाल किया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि इस बार पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए रामलीला कमेटियों ने तय किया है कि इस बार रावण के पुतलों में आतिशबाजियां और विस्फोटक नहीं होंगे ताकि प्रदूषण ना हो, रावण तो अपने पाप की आग से ही जल जाएगा।